हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज है भाई दूज, तो हैप्पी भाई दूज आप सभी को। और यहाँ पर मेरे जितने भी भाई हैं उन सभी को हैप्पी भाई दूज। और ये ब्लॉग मेरा थोड़ा सा पुराना है, मतलब कि दिवाली के दिन का आज आ रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि वीडियो एडिट नहीं हो पाया था। ऐसा क्या है कि मैं लापरवाही कर देती हूँ वीडियो एडिट करते टाइम, तो इसलिए वो टाइम पर हो नहीं पाता, इसलिए थोड़ा सा डिले हो जाता है। लेकिन आगे चलिए ब्लॉग में। और वीडियो की स्टार्टिंग हो रही थी मेरे रंगोली वाले कलर से लेके, जो कि मैंने कलर मुझे वो वाले मिलते ही नहीं है, पता नहीं सबको कहाँ से मिल जाते हैं वो, जो चमकीले चमकीले आते हैं ना, जिसे जो प्रॉपर रंगोली कलर होते हैं। मुझे हर बार रंगोली कलर वो वाला मिलता है जो गुलाल की तरीके होता है, चिपक जाता है उंगलियों में, वो वाला। मैंने उसको घर में ही कुछ उसमें मिलाया, राइस पाउडर या कुछ भी ऐसी चीज़ें मिलाई ताकि वो थोड़ा सा कलर बन जाए। लेकिन जैसा तैसा बना तो ठीक ही है, लेकिन फिर भी वो हाथों में चिपक रहा था। वो कलर जो होता है अलग ही होता है। और यहाँ पर मैं फ्लावर कट कर रही हूँ क्योंकि फ्लावर थोड़ा सा कम थे रंगोली के लिए, उतने नहीं हो पाते, तो मैंने क्या किया उनको कट कर लिया, जिससे रंगोली भी अच्छी दिखेगी और फ्लावर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने अपने रंगोली के कलर इस तरह से बनाए थे, और ये सारा काम मैंने दोपहर में ही सेट करके रख लिया था। ये देखिए जिस तरह से सारी रंगोली का आइटम मैंने पहले ही स्टार्ट किया था। यहाँ पर सारे गेट में माला और आम के पत्ते लग चुके हैं। ये मेरा वाला गेट रह गया, तो मैंने कहा मैं भी यहाँ लगा देती हूँ। सारे गेट जितने भी गेट थे उनमें ये माला लगा दी है। और आम के पत्ते का माला मैंने खुद ही बनाया था घर में, अपने हाथ से इस तरह से धागे में बांध बांध के। तो साइड साइड ये गेंदे वाले माला लगा दिए थे, बीच में वो आम के पत्ते वाला, इस तरह से ये दोनों गेट। और बाहर के गेट में भी ऐसे ही लगाया था, अच्छा लग रहा था ये कॉम्बिनेशन येलो एंड ग्रीन वाला। और उसके बाद शाम का टाइम हो गया, अब आ गया है लाइट का सेट करने का टाइम। तो सारी लाइट तो मौसम जी ने सेट कर दी है, बस ये गमले में नहीं थी, तो मुझे गमले में भी लाइट को करना था। मैंने यहाँ वहाँ से घसीट के और उसमें भी सेट किए ताकि वो भी अच्छा दिखे थोड़ा सा। जो स्टैंड रखा था ना, मैंने भी उसमें लाइट ऐसे थोड़ा सा लगा दिए ताकि वो अच्छा लगेगा लाइट की वजह से, क्योंकि मनी प्लांट उसमें इस तरह से फंसा हुआ है, लाइट में और अच्छा लगेगा। और अब मैं आ गई हूँ बाहर रंगोली बनाने, और रंगोली के कलर से तो मेरा थोड़ा दिमाग ख़राब हो ही रहा था, लेकिन यहाँ बगल में सामने एक जो आंटी जी, उन्होंने इतनी प्यारी रंगोली बनाई थी ना, उनका देख के मेरा कॉन्फिडेंट और लूज हो गया। फिर मुझसे जैसी रंगोली बननी थी, मुझे बनानी थी, मैंने वो तो भूल ही गई, और जो नहीं बनानी थी वो अपने दिमाग से कुछ ऐसी बना दी सिंपल सी। इस बार रंगोली बनाने में पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ चला गया था, मुझे बस ऐसे समझ में आया मैंने ऐसी बना दी, नहीं तो मैं रंगोली हर बार कितने अच्छे से बनाती हूँ। और यहाँ पर इस तरह से सिंपल बना दी थी बालकनी में बनाने, देखो उनकी कितनी प्यारी लग रही है। और बालकनी में बड़ी सी बनाने की सोची थी, लेकिन बालकनी में बनाने के लिए भी टाइम ही नहीं बचा था, यही सब पूजा का सामान लगाते लगाते और यहाँ वहाँ तैयार होते सारा टाइम निकल गया। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर मंदिर में, चौक की जगह ये रंगोली बनाने फ्लावर वाली। और ये फ्लावर वाली रंगोली सबसे बेस्ट रहती है, बढ़िया सिंपल भी होती है और आराम से बना लो, आपको जैसे भी बनानी हो बढ़िया। फूल और मैंने कट कर लिए थे फूल, तो और थोड़ा सा महीन हो गए हैं, तो एकदम सेट होकर बनेगी। तो मैंने ज़्यादा कुछ खास तो नहीं बनाई क्योंकि छोटी सी ही बनानी थी, और मंदिर में फिर सामान और पूजा करने के लिए दूर पड़ जाता अगर कोई मैं बड़ी और ज़्यादा फैला के बना दी थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा गोल टाइम इस तरह से बना दिया है। तो ये अच्छा लग रहा है प्यारा सा। और उसके बाद ये फूल से थाली को सजा दिया है, जिसमें गणेश लक्ष्मी जी को बैठाना है, तो इस तरह से मैंने ये भी पान के पत्तों से पूरी सजा दी है, अच्छी लग रही है।
और यहाँ पर रंगोली कंप्लीट हो गई है और सारी जो तैयारी थी वो सारी हो गई है। मैंने पूजा के लिए आरती आरती की थाली सब कुछ लगा के रख दिया, बस सिर्फ पानी के कटोरे में दीपक रखना रह गया है और उसके बाद पूजा का मिठाई वगैरह प्रसाद वगैरह सेट करने हैं, दीपक वगैरह बाकी ये निकाल के तो मैंने ये सारी चीज़ें पहले ही रख दी थी, बस इनको मंदिर में सेट करना है पूजा के टाइम। तो बस मैंने ये पानी लिया, इस कटोरे में फूल रख दे रही हूँ। वैसे इस कटोरे में जो वो होते हैं ना सफ़ेद वाले फूल होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, वाइट कलर के सूरजमुखी होते हैं, और ये गेंदे उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं लेकिन फिर भी मैंने इनको लगा दिया है और बीच में थोड़ा सा और टूट के और दीपक रख दिया। उसके बाद हम लोग भी आ गए अब तैयार होने, तो यहाँ पर मैंने आयान को पहले पहनाए हैं कपड़े। और आयान तैयार हो चुका, उसके बाद मैंने भी अपने लिए निकाल लिए कपड़े। तो मैं आज पहनने वाली हूँ रेड कलर की गाउन जो कि ली थी, लेकिन अब ये गाउन नहीं है, फ्रॉक सूट बन गया है क्योंकि ये मेरे फिटिंग में नहीं था। मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी, महुआ में थी जब, और ये मेरे ना फिटिंग का नहीं था, थोड़ा सा नीचे से लॉन्ग था और लूज था, तो मैंने इसे फिटिंग के लिए टेलर के पास दिया था। तो उन्होंने ना मैंने थोड़ा सा कट करने के लिए बोला, उन्होंने इतना कट कर दिया है कि अब ये फ्रॉक सूट बन गया है। पहले ये गाउन थी और पेट से इन्होंने काटा था, मतलब कि कमर के यहाँ से जो सीन डली थी वहाँ से काटा था, तो ये मोटा मोटा और हो कर दिया फूला फूला, नहीं तो गाउन एकदम ऐसे प्लेन होती है तो अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने जैसा भी था उन्होंने कर दिया था, मैंने चलो एक दो बार तो पहन ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं भी हो गई हूँ रेडी और उसके बाद आ गई हूँ सबसे पहले यहाँ पर दीपक लगाने, जो पहले मैंने सेट करके रख दिए थे। बस इनको ऑयल और घी डालना है, इनमें बत्ती पहले से ही लगा दी थी, तो बस ये ले जाते हैं, उसके बाद जाएंगे पूजा करने। पर आयान की ड्रेस वाइट थी तो मैंने उसे एक ऊपर से कोटी पहना दी है रेड कलर की, तो हम दोनों बहन भाई रेड रेड ड्रेस हो गए मैचिंग मैचिंग वाले, और वाइट साइड के ऊपर ये रेड वाली कोटी अच्छी भी लग रही थी। अब मेरे गाउन तो बहुत प्यारी लग रही है लेकिन उन टेलर ने इसको इस तरह से बिगाड़ा है ना, कुछ मत पूछो। ये कमर के पास आपको देखो कितनी मोटी मोटी लग रही है क्योंकि उन्होंने यहाँ से कट करके और डबल सिलाई डाल दी है मोड़ के, तो वो सारा कपड़ा जो था वहीं पर इकट्ठा हो गया। और ये लग गया पूजा का सारा सामान, पूजा की पूरी तैयारी सेट हो गई है। यहाँ पर मौसी के जगह मौसा जी ने सारी पूजा की और अब आरती का टाइम है, वो आरती कर चुके हैं तो अब मैं और आयान भी आरती कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर आयान के साथ मैं आरती करा रही हूँ, उसके बाद जा रही हूँ तुलसी जी में भी बाहर आरती करके आते हैं, उसके बाद दीपक दीपक रखेंगे सब इकट्ठे। तो यहाँ पर पूजा सारी हो चुकी है, आरती भी हो गई है। बस यहाँ पर मैं और मासी रखने जा रहे हैं दीपक सब जगह, क्योंकि जब तक दिवाली में दीपक नहीं चारों तरफ रखते हैं ना तो दिवाली जैसे नहीं लगती है। लाइटें वाली तक कितनी भी लगा दो आप लेकिन दीपक के बिना वो दिवाली नहीं लगती है, तो जब सारी जगह पर दीपक जलते हैं ना रख जाते हैं तब लगती है कि हाँ अब दिवाली है लाइट। तो बस यहाँ पर दीपक दीपक रखने के बाद मैंने अन्य कुछ फुलझड़ी उलझड़ी जलाई, पटाखे अटाखे तो इस बार ज़्यादा जलाई नहीं है, वैसे मुझे आते भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर पूजा ख़त्म हो चुकी है, दीपक दीपक रख गए हैं, प्रसाद खाए हैं, और प्रसाद खाने के बाद अब जा रहे हैं ड्रेस चेंज करने। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा सैड हो रही हूँ क्योंकि मेन गेट में रंगोली बनाई थी वो मुझसे अच्छी नहीं बन पाई,
और मुझे बालकनी की वहाँ पर जो रंगोली बनानी थी ना उसके लिए टाइम नहीं बचा तो मैं वहाँ पर बना नहीं पाई। लेकिन खैर चलो छोड़ो, अब जो भी है अब कपड़े चेंज करने जा रही हूँ, अगली बार देखेंगे फिर कभी बनाएंगे। और इसी के साथ करूँगी ये वाला वीडियो एंड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को न्यू तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।